गाजीपुर में 24 विदेशों का सैलानी दल गंगा मार्ग से पहुंचा। बता दें कि बांग्लादेश, कोलकाता, पटना और बक्सर से होते हुए विदेशी सैलानी गाजीपुर पहुंचे हैं, जहां विदेशी सैलानी गंगा में छोटा जहाज छोड़कर स्टीमर से गंगा घाट पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से स्थानीय लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के मकबरे पहुंचे, जहां विदेशी सैलानियों ने करीब एक घंटे का समय पार्क में बिताया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक कीरो ने बताया कि इंडिया ग्रेट कंट्री है और उनकी फेवरेट भी। वो इंडिया में छठी बार और गाजीपुर पहली बार आई हैं। गंगा मार्ग से उसने पहली बार सफर किया है। गंगा के बारे में बताते हुए वो उत्साहित होकर बोली कि गंगा ग्रेट है और भारत के लोगों के लिए बहुत पवित्र है। And I'm from Australia. What is you say about India? India, oh, it is my favorite country after Australia. This is the sixth time I have been to India, but the first time I've come to Gazipur. You are standing at Lord Cornwallis. Yes. Yes. What did you know about Lord Cornwallis? Very little. I remember from school a little bit about the American War of Independence, but I didn't know about the remarkable things he did in terms of reform in India. You are coming with water road, water way. What is about Ganga? The Ganga. Oh, it is wonderful. That is why I came on the boat, because I wanted to experience the Ganga. It's obviously, you know, a holy river for the people of India. I have spent time in Bangladesh near the Ganga, and I know there that the people have a very high regard for what the Ganga can do for the people in terms of its nourishment and its fishing and its importance in spiritual. विदेशी सैलानी का एक दल आया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के और अन्य देशों के सैलानी उसमें मौजूद थे, और गंगा नदी के रास्ते वे जिस वाहन पर आए थे, उसके बाद यहाँ उतरने के बाद उनका जो विचार आया भारत के बारे में, उसे सुनकर के मैं भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने गंगा नदी के बारे में वंडरफुल का शब्द इस्तेमाल किया। एक बार गंगा नदी पर बहस करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसमें माननीय प्रिवी काउंसिल के एक जजमेंट का मैंने हवाला दिया कि गंगा जी क्या हैं। उसमें लिखा प्रिवी काउंसिल ने शुरुआत में कि द ग्रेट गंगा इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ये भारत की गंगा हैं और ये गॉड द्वारा प्रदत्त गिफ्ट हैं। इसलिए उनका यह कहना कि वंडरफुल है, बहुत अच्छा लगा, और उनका यह आकर्षण हमारे देश की अच्छाई को साबित करता है। आपको बता दें कि इस दल में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों के लोग शामिल हैं। पर्यटकों का ये दल भारत दर्शन के तहत यहाँ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने पांडवा क्रूज से पहुंचा था। गाजीपुर में करीब 3 से 4 घंटे समय बिताने के बाद ये लोग वाराणसी की तरफ जल मार्ग से ही चले गए। सैलानियों के आगमन पर यहाँ के लोकल लोगों में भी काफी खुशी नजर आई। वहीं गंगा के नेतृत्व पर विदेशियों के रुझान को भी लोगों ने सराहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।